प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप फिर से हमारे साथ व्यवहार कीजिए, आपकी बातों से हमारे जीवनों को प्रभु आप सजाइए, और जहां कहीं भी आपके वचन के द्वारा हमें आप उत्तेजना देना चाहते हो, हमें एनकरेज करना चाहते हो, या हमें करेक्ट करना चाहते हो, हमारे अंदर कोई सुधार लाने की आवश्यकता है, तो पवित्र आत्मा आपके वचन को लेकर हमसे व्यक्तिगत रूप से बैठे हुए हर एक सुनने वाले हर एक से आप व्यवहार कीजिए। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, हर एक के मनों को आप खोलिए, पवित्र आत्मा सहायता करे, यीशु के लहू को हर एक के विचारों पर, मनों पर, आत्मा पर, प्राणों पर, शरीर पर हम लगाते हैं, यीशु के लहू को लेते हैं, शैतान की युक्तियों को हम निष्फल करते हैं, वचन को चोरी करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली, या तो वचन को गहराई में जाने से रोकने वाली हर एक आत्माओं को, दुष्ट ताकतों को यीशु के लहू में बांधते हैं और निष्फल जाहिर करते हैं। प्रभु आपकी सहायता हर एक को दे, हम सभी को दे, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु के चरणों में जब सुबह मैं बैठा था और मांग रहा था कि प्रभु आप क्या चाह रहे हो कि किस बात से हम साथ मिलकर उत्तेजन पाए या आपकी बातों को समझे सीखे, बार बार प्रभु मुझे क्रिसमस को लेकर कुछ घटनाएं ध्यान में ला रहे थे, और कल से परमेश्वर मेरे साथ कुछ खास व्यवहार कर रहे थे, और आज सुबह जब मैं उठा तो प्रभु कुछ खास बातों को मेरे सामने लेकर आए, और उसकी और हम गौर करेंगे। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय और कुछ कुछ आयते हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और एक से आगे पढ़ते हैं। आशा रखते हैं आप सभी के पास बाइबल है और या तो नया नियम है, अपने बाइबल को लेकर आप आए होंगे। मत्ती दो और एक से आगे पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है। यहां पर कुछ बातें बताई है कि यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, यरूशलेम में, बैतलहम में नहीं। और यहां पर क्या लिखा है कि कुछ लोग यहां पर आए हैं। कौन लोग आए हैं? ज्योतिष, यहां शब्द लिखा है ज्योतिषी, पर हकीकत में कुछ शब्द है मंजूसी, फिर कुछ और शब्द है इंग्लिश में, यहां पर जो शब्द है उसके आधार पर मैगाई, नहीं मैगाई, जिस जो पूर्व के कुछ ज्ञानी पुरुष, इंग्लिश में एक और ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है वाइज मैन, ज्ञानी पुरुष, ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष लोग थे और ये बहुत ही अलग किस्म के लोग थे, उसके बारे में हम देखेंगे। पर ये लोग यहां पर आए हैं, उनको पता चला, कुछ ऐसा इनके ध्यान में आया, कुछ ऐसी निशानियां इनको मिली कि वो उनको खींच कर यरूशलेम में लेकर आई, पूर्व के देशों में। इज़राइल से पूर्व के देशों को देखा जाए तो पूर्व की ओर आता है ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत, ये सब इज़राइल के पूर्व दिशा में की बोले जाते हैं। तो ये माना जाता है कि मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा से ज्यादा अभ्यासियों का मंतव्य यही है कि ये या तो ईरान से है और या तो इंडिया से है, और कई बार तीन बताते हैं लोग, पर इसमें ज्यादा भी है नहीं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि यीशु के जन्म में कोई आए है, पर कैसे आए है नहीं, उसको भी हम देखेंगे क्या था कि जो उनको खींच कर लाया नहीं। हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर सातवीं आयत, छठी आयत, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। ये भविष्यवाणी सालों, सैकड़ों वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी हो चुकी थी,
बैथलेहम के लिए कि तू यहूदा के प्रदेश में छोटा नहीं है किसी भी रीति से, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। सातवीं आयत है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उनको पूछा कि भी आप यहां तक आए किस आधार पर आए, आप कैसे आए, क्या था जो आपको मजबूर किया यहां तक खींचे चले आने के लिए। और उन्होंने यहां पर लिखा है, और उसने यह कहकर उन्हें बैथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। प्रणाम करूं मतलब उसका भजन करूं, उसकी आराधना करूं, है ना। और यहां नौवीं आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण पाठ हम यहां पढ़ेंगे साथ मिलकर। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा, तारा देखते हैं ना रात को तारे, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर कर बालक को प्रणाम किया। लिखा है, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हेरोदेस पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। सो यहां पर इस पूरी घटना पर हम हमारा ध्यान रखेंगे। तैयार है ना आप सभी लोग? इसमें से बहुत सारी छिपी हुई बातों को हम आज सीखेंगे, समझेंगे। प्रभु उन बातों से हमारे जीवन के साथ व्यवहार करेगा, मेरा विश्वास है, आशा है ना। और प्रभु जब भी बोलता है हमें सुनने के लिए हमेशा बहुत सीरियसली गंभीरता पूर्वक तैयार रहना चाहिए, है ना। ये पास्टर की और हमारी अगुवाई एक 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 जिम्मेदारी कि कलीसिया को वचन सुनने वाली बनाए, नहीं वचन से मुंह फेरने वाली नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो वचन से अपना मुंह मोड़ लेता है उसका हित नहीं होगा, उसका भला कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भलाई परमेश्वर ने इस वचनों में ही रखी है। वचन से दाएं बाएं मुड़ जाएंगे तो जो हम देखना चाहते जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे। सो हमारी जिम्मेदारी है कि हमेशा जब भी वचन शुरू हो, वचन की बात हो, बहुत गंभीरता से पूरे एकाग्रता से हम उसको ध्यान से सुने। सो शायद नींद भी आए, कुछ भी आए, पर वो आपको काम में लेना है, अपने आप को जागरूक रखना है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो दिन पहले ही हमने क्रिसमस मनाया ना, कितनों ने मनाया? वाह, और क्या क्या किया घर पे, क्या क्या किया घर, बोलिए सही कुछ, क्या क्या किया घर पे? कुछ नहीं, जो किया यही तो किया है। अच्छा चलो बढ़िया है। शायद कुछ लोगों ने किया हो, कुछ खाना बना, कुछ खास स्पेशल बनाया हो, नहीं कि भाई कोई लड्डू बनाएगा, कोई स्वीट डिश बनाएगा, नहीं अभी मुंह में पानी मत लाना, घर जाके जो करना हो करना। पर बहुत कुछ लोग इस समय में अपनी खुशी को जाहिर करते हैं ना इस प्रकार से कि हम खुश करते हैं प्रभु के जन्म को, कैसे हम उसको सेलिब्रेट करें, कैसे हम मनाए। नहीं तो अब शुरुआत से ये सब चलता आ रहा है भाई, और लोगों ने उसको पकड़ कर रखा है, नहीं तो चल रहा है भाई आज भी। कुछ लोग वहां क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, अब क्रिसमस ट्री का या क्रिसमस फादर का बाइबल में कहीं भी कोई ब्यौरा नहीं है, है ना। ये तो सिर्फ एक सेलिब्रेशन के रूप में इसको रखा गया, जैसे यहाँ पर फूल सजाए हैं ना, तो एक एक प्रतीक है भाई सजावट का, तो एक सजावट के भाग में इसको रखा गया है। क्रिसमस फादर की ये भी एक अलग स्टोरी है कि गरीब बच्चों को लेकर एक इंसान को कुछ ऐसा लगा कि भाई मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो वो क्रिसमस पर उसने गिफ्ट तैयार की और उनको देने के लिए वो जाता था, निकल पड़ता था। उसको देखते हुए संसार में आज लोगों ने ये बातें एडॉप्ट कर ली है, अपना ली है कि भाई क्रिसमस फादर ने, तो ये सब बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं। कुछ लोगों को तो गलत है नहीं है कि भाई ये क्रिसमस फादर का जन्मदिन है भाई, अरे क्रिसमस फादर सांता क्लॉस का जन्मदिन नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। और दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में सवाल भी ये होता है कि यीशु मसीह क्या साबित है कि 25 दिसंबर को ही पैदा हुए, है ना। बहुत सारे लोगों को यह सवाल उठता है,
पर तारीख महत्व नहीं है, हमारे लिए कौन पैदा हुआ वो महत्व रहता है। तारीख को टटोलने जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं खो जाएंगे प्यारे। हमारे लिए महत्व बात यही है, महत्वपूर्ण बात यही है कि मेरे लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया और ठाट में रहने के लिए नहीं, नहीं सुख विलास संपत्ति या तो राजपाट कर भुगतने के लिए नहीं, नहीं किसी जगह का किसी प्रांत का राजा बनकर वहां राज करने के लिए नहीं आया। वो तो खाली हाथ है, नहीं उसके हाथ में ना तीर था ना कमान थी ना तलवार था, कुछ नहीं था। वो तो एक छोटा बच्चा के रूप में नहीं, 9 महीने मरियम के गर्भ में वो रहा और नहीं एक समय आया कि वो इस संसार में उसने चलने लगा। किस लिए आया था वो? तो वो मरने के लिए आया था। किस किसके लिए मरने भाई? हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए मरने के लिए आया था। पर इसके पीछे जो बातें जुड़ी हुई है इस जन्म के साथ, उसमें बहुत बहुत गहरी बातें छुपी हुई है। यहां पर जो ज्योतिषियों की बात लिखी गई है ना कि पूर्व से, पहली आयत में लिखा है कि पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? वो पूछने लगे। अब उनको कैसे पता चला? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? और ये लोग कौन है? ज्योतिषी लोग हैं और ये लोग पूर्व से आए हैं और कैसे यहां तक पहुंच रहे? तो उसका रीजन आपको पता चलेगा 9वीं आयत में कि वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला। मतलब कोई है जो इनकी अगुवाई कर रहा है ना? ये लोग कौन थे? ये सीकर्स जिसको बोलते हैं, ढूंढने वाले थे। कौन थे? ढूंढने वाले थे। इनके लिए जिक्र कुछ बातें अगर देखें तो दानियल के समय की और जब गौर करें तो दानियल कैसा व्यक्ति था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक अलग आत्मा, उत्तम आत्मा उसके अंदर था, वहां पर लिखा है। और उसको सभी ज्ञानियों के ऊपर अधिकारी ठहराया हुआ था, अगर दानियल की किताब पढ़ोगे तो वहां पर है। और वो जो बहुत सारे अभ्यासियों का मत यही है कि मेरा भी ज्यादातर मानना यही है कि ये वही के ज्ञानी पुरुष थे। और उस समय दानियल को इस संसार के लिए अभिषिक्त क्राइस्ट मसीहा जो आने वाला है उसके बारे में दानियल को भी बहुत सारी बातें बताई थी। सो दानियल ने ये सब बातें वहां पर, ऐसा माना जाता है कि लोगों को बताया होगा उस भविष्यवाणियों के बारे में। और ये ज्ञानी पुरुष वही होंगे कि उस समय से वो देख रहे होंगे कि एक मसीहा संसार के लिए आने वाला है, राजा बनकर आएगा इस संसार में। सो वो हमेशा ढूंढते रहते थे, सैकड़ों सालों से वो ढूंढते रहते थे। और ये ज्ञानी पुरुष कैसे थे पता है? ये एक स्पेशल, एक अलग क्लास के ज्ञानी पुरुष और याजक भी थे एक किस्म के। और क्या था पता है? ईरान के पर्शियन एम्पायर में ये लोग वहां पर अपनी ड्यूटीज, अपना अपने फर्ज को निभाते थे। ये बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते थे, बहुत बड़े अभ्यासी, बहुत बड़े शास्त्री माने जाते थे। और बेबीलोन, वहां पर बेबीलोन इराक और ईरानी जो पार्थिन जो देश है वो वहां पर ये थे। ये बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही पढ़े लिखे और इतिहास, धर्म, इवन बोलते हैं कि मेडिसिन, दवाई, इसको लेकर भी बहुत सारा ज्ञान रखते थे। इवन आकाश की, विशेष रूप से आकाश में जब हम देखते तो बहुत सारे तारे नक्षत्र की बातें हमें पता चलती है ना। तो ये लोग वो थे कि जो इसकी और भी गौर करने वाले लोग थे, उसका अभ्यास करने वाले लोग, मतलब ये बहुत ही बड़े ज्ञानी लोग थे, बहुत ही ज्ञान इनके 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 अंदर भरा हुआ पड़ा था। पर सबसे बड़ी बात इनके अंदर थी कि अभिमान नहीं था, तभी तो ये ढूंढने वाले थे ना। इनके ज्ञान ने इनको बांध कर नहीं रखा था कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं, ये ऐसा जो बोलते हैं कि ऐसा स्वभाव, ऐसे विचार से जब हम चलते हैं ना, हम नम्र नहीं कहलाते प्यार। ये लोग सच में हम कह सकते कि ये गर्व नहीं करने वाले लोग, और इन्होंने अपने ज्ञान को उपयोग में लाया। देखो इससे क्या हुआ कि वो प्रभु को ढूंढने में उनके ज्ञान को उपयोग में लाया। आज हमारे पास ये एक संदेश है कि हमारे पास जो भी है क्या उसको हम प्रभु को ढूंढने के लिए काम में लाते हैं। हमारे पास जितनी भी बातें हैं, चाहे साधन हो, संपत्ति हो या ना हो, बुद्धि हो, समझ हो, जो भी हो, क्या हम प्रभु को ढूंढने में क्या हम काम में लाते हैं, किसको ढूंढते हैं। सबसे बड़ा पहला संदेश है हमारे लिए कि हम किसको ढूंढते हैं। संगतियों में जाते तो हम भविष्य वक्ताओं को ढूंढते हैं कि कोई हमारे लिए प्रोफेसी करे। कहीं जाते तो हम किसको ढूंढते हैं, क्या हम हमारा आने की वजह या हमारे संगति में जाने की वजह यीशु मसीह है, कि या कोई और लोग हैं कि जिनको हम खुश करना चाहते हैं, कि जिनको हम मिलना चाहते हैं। ये लोग प्यारों बहुत बड़ा संदेश हमें दे जा रहे हैं, उनकी यात्रा हमें बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि वो लोग इतने दूर थे फिर भी अपने ज्ञान का उपयोग करते करते हैं। उनको पता चल गया कि भाई एक राजा जन्मा है, और इन्होंने क्या किया, अपने अपने थैलों में सब कुछ सामान को पैक किया। और उस समय में ऐसा माना जाता है कि पूर्व के ये जो लोग थे उनके साथ दो या तीन लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा बड़ा काफिला आया था, बहुत बड़ा काफिला था, दो या तीन ऊंट नहीं थे, बहुत सारे। और जब किसी कोई व्यक्ति राजा के पास जाता था इस प्रकार, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था, कभी भी खाली हाथ नहीं, वो भेंट लेकर जाते थे। तो ये लोग बहुत सारी भेंटों को लेकर भी गए थे वहां पर। तो हमारे लिए दूसरा संदेश है कि जब हम प्रभु को मिलने आते हैं तो हम क्या चढ़ा कर जाते हैं, क्या चढ़ा कर जाते हैं। क्या प्रभु को हमारे पैसे चाहिए, बताइए, क्या प्रभु को हमारे पैसे चाहिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात प्रभु क्या चाहता है पता है, हमारा हृदय। और महत्वपूर्ण बात, समय। हमारा हृदय और हमारा समय। याद कीजिए, आप आपका समर्पण कहीं इस संसार में चलते चलते धीरे धीरे बदल तो नहीं गया है ना। क्या मेरा समय और मेरा दिल आज प्रभु के लिए अवेलेबल है। ये ज्ञानी लोग थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे इनके पास, नहीं बहुत कुछ था, पर ये सब छोड़कर हजारों माइल दूर से ये लोग आए। इतनी बड़ी बात है प्यारो हमारे लिए, बड़ा चैलेंज दे जाते हैं ये लोग। ये एक फिलोसोफर और प्रोफेसर कक्षा के, एजुकेटेड स्कॉलर की कक्षा के ये लोग थे प्यारो। और वहां पर उस समय में ये लोग, ऐसा माना भी जाता है कि ये राजा को बनाने वाले भी लोग थे, राजा को सिखाने वाले, राजा को बनाने वाले लोग, इनकी एडवाइस लेते थे राजा लोग, इतने ज्ञानी ये लोग थे। पर फिर भी इनमें सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो प्रभु को ढूंढने वाले थे। हालेलुया, ये आज हमारे लिए चैलेंज है कि इस बदलती हुई दुनिया में हम कितना प्रभु को ढूंढते हैं। हम इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो हमेशा अपने लाभ को ढूंढता है, मेरा क्या, मेरा क्या, मैं वहां जा रहा हूं तो मेरा क्या भाई, मेरा क्या होगा। लोग पूछते हैं कि भाई यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आशीष मिलेगी। और आशीष का मतलब ये नहीं है भौतिक दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, आशीष ये नहीं है। यह आशीष, इसको यह आशीष होती तो ये तो धनवान जो लोग हैं ना वो सबसे ज्यादा आशीषित कहलाते हैं। पर आशीष का मतलब ये नहीं है, आशीष का मतलब है परमेश्वर का फेवर। जहां भी आप जाओ, जहां भी आप रहो, खुश, आनंद और सुख और शांति से कल्याण में आप जियो, ये प्रभु की आशीष है प्यारो। लोगों के पास पैसा होता है ना, फिर भी वो तड़प मिटती नहीं है, कमाने के लिए भागते फिरते हैं। क्या है ये आशीष है ये? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप धंधा ना करें, नौकरी ना करें, कुछ ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये, पर उसकी और वो हमारा परमेश्वर कभी बच जाता है, हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हम प्रभु को ढूंढना ही भूल जाते हैं।
मैं जिस बात के लिए संसार में हूं वही हम भूल जाते हैं कि मुझे क्यों यीशु मिला है। क्या हम ऐसे तो नहीं है ना कि हम बहुत कुछ इस संसार में खो चुके हैं। जब शुरुआत में हम प्रभु के पास आए आज हमारे हाथ खाली हो गए, क्या प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं बचा है? क्या कोई बात नहीं, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। आज भी हमारे लिए मौका है, अपने जीवन को दीजिए, अपने समय को दीजिए। देखिए प्रभु, हमें प्रभु से कुछ पाने के लिए उनको नहीं देना है। ये लोग कुछ पाने के लिए नहीं आए थे, है ना? ये लोग तो, उनको तो मिलना था बस। और देखिए इनकी अगुवाई कोई कर रहा है, स्टार, सितारा, तारा, कोई अगुवाई कर रहा है जो उनको खींच कर कहां लेकर आया? कहां लेकर आया? यीशु के पास। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ढूंढने वालों का साथ देता है, है ना? जो ढूंढने वाले हैं ना उनको प्रभु साथ देगा, पर जो अपना लाभ ढूंढते हैं ना वो अकेले ही रह जाएंगे। और इसीलिए लोगों को फिर मैं अकेला हूं। अरे भाई, कहीं हमें सोच लेना है कि यीशु कहीं पीछे तो नहीं रह गया, या तो यीशु कहीं आगे तो नहीं रह गया और मैं पीछे नहीं रह गया हूं। नहीं, हम अपने आप को जांचिए प्यारों। इस क्रिसमस को खाली हम तालियां बजाकर, गाना गाकर, हैप्पी क्रिसमस कहकर क्या कर लेंगे हम, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर मूल बात यही है कि यीशु आपके दिल में है, जन्मा है, तो ये क्रिसमस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमारे लिए। पर यीशु है ही नहीं, कोई लाभ हमारे दिलों में है, हमारा स्वार्थ हमारे अंदर है, तो ये क्रिसमस हमें क्या फलेगी प्यारों? हमें जरूर है कि हमारे दिल को प्रभु को दे, हमारे समय को हम प्रभु को दे, हमारा जो कुछ भी उसका दिया हुआ है। एटलीस्ट ये दो चीज है जो इंसान भरपूर से दे सकता है। इसके लिए इंसान कह नहीं सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, दिल और समय, है ना? इसके लिए बहाना नहीं मिल सकता, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई गिफ्ट वरदान नहीं है, मैं तो कैसे सेवा करूं, मैं तो प्रभु के लिए कैसे अवेलेबल, मेरे पास तो बाइक नहीं है, मेरे पास तो साइकिल नहीं है। दिल है ना, मन होना चाहिए प्रभु के लिए तैयार, और समय होना चाहिए प्यारे। अगर नहीं है तो नए साल में अपने आप को सुधारिए, है ना? हम ऐसे ही बनकर नहीं जीना चाहते प्यारो, ऐसे ही रहना चाहते नहीं, हमें तो प्रभु के बच्चे बनकर उसके साथ संगति में चलते रहना है। ऐसे गाने गाकर वो खोखले रह जाएंगे, ये ईश्वर का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चल रहा, तूफान आए तो छोड़ ये ईश्वर, जाने दे मेरे को, छोड़। प्रभु बोलेगा अरे नहीं डूबने दूंगा मैं, तेरा हाथ थामा हुआ, अरे कहां जा रहा मैं हूं, अरे नहीं डूबेगा। अरे पर हम तो डरते हैं ना, हमें ये पता नहीं है कि यीशु इन तूफानी लहरों को भी शांत कर सकता है। हकीकत में हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हम यीशु को जानते नहीं, हम लोगों को जानते हैं, प्रभु के सेवकों को जानते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, उनके परिवारों के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, मेरे पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, मेरी नौकरी पर वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो जानकारी रखते हैं डिटेल, पर प्रभु की डिटेल हम कभी भी नहीं रखते, है ना? तो ये बड़ा चैलेंज है क्रिसमस में कि हम परमेश्वर की डिटेल रखें हमारे पास, ताकि जब भी संसार में हम जाए उस सितारे की माफिक हम बने, दूसरों को यीशु के पास लाने वाले बने। ये सितारा बहुत संदेश दे रहा है कि हमें इस संसार में कोई ना कोई अगुवाई करके यीशु के पास लाए। अब हम वो सितारा है कि हम किसी को यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। क्या बनने को तैयार हो वो सितारा? प्रभु आपको सितारा बनाना चाहते हैं। ये अमिताभ बच्चन और ये बड़े बड़े नाम तो क्या है प्रभु तो, अरे आप देखिए कितनी बड़ी बात है प्यारो कि अमिताभ बच्चन तो आप सब जानते हो, पर अमिताभ बच्चन आपको नहीं जानता है। कितनी कड़वी वास्तविकता है प्यारो, और फिर भी हम उसके पीछे पागल है, है ना? पर जो इन सब का बनाने वाला है वो आपको और मुझको नाम लेकर बुलाता है, उससे हमें कोई वास्ता ही नहीं है, है ना? इसी को कहते हैं स्वार्थी मनुष्य। यीशु के पास आए कि चंगाई दे दो, कोई नौकरी दे दो, कोई छुटकारा दे दो, शांति दे दो, झगड़े शांत हो जाए, घर में सब, मेरा हस्बैंड सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए,
मेरी अम्मा सुधर जाए और सब सुधर जाएंगे और हम अकेले ही रह जाएंगे वैसे के वैसे, क्योंकि यीशु ही नहीं आया होगा ना तो सब अंधेरा ही अंधेरा होगा। यीशु ने तो क्या बोला, मैं जगत का उजाला हूं, तो उजाला नहीं है वहां क्या होता है? यस, हमें यीशु को दिल में जगह देने की जरूरत है, तभी उजाला आएगा, है ना। सिर पर कोई हाथ रखेगा तो उजाला नहीं आ जाएगा, यह हमें समझने की जरूरत है। हाँ, प्रभु ने अपने दासों को रखा है अद्भुत कामों के लिए, अभिषेक है उनके ऊपर और प्रभु ये काम करेगा, पर यह इसलिए नहीं है कि हम संसार में बस ये ही ढूंढते रहे, चंगाई, आशीष, छुटकारा, गाड़ी, बंगला, पैसा, भौतिक मटेरियल ब्लेसिंग, हमें स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ढूंढना है। आइए तय करते हैं कि ये नया साल और आने वाली क्रिसमस तक मैं प्रभु के बहुत करीब रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं जितना आज जानता हूं यीशु को उससे कई गुना ज्यादा उसको अगली क्रिसमस तक जानूंगा मैं। मेरा प्रयास पूर रहेगा और ढूंढने वाले आप बनोगे, प्रभु आपका साथ देगा। देखो प्यारो, ये बाइबल गारंटी देता है। इन ज्ञानी पुरुषों को उनका ज्ञान भी काम में ना आया, भटक गए थे। देखो, अपनी बुद्धि से चलने को निकले ने तो वो राजा के पास नहीं पहुंचने चाहिए थे ना। उनकी नजर अगर सितारे पर रहती जो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई के लिए रखा था, उसकी और नजर होती तो वो राजा के पास नहीं जाते, सीधा बैतलहम में उस चरनी में चले जाते। पर वो गए कहां? वो उनकी सोच कैसी थी, यहूदियों का राजा जन्मा है मतलब महल में जन्मा होगा, मैं तो मेरे ज्ञान से, मेरे को तो बहुत ज्ञान दिया है, मैं तो इतना पढ़ा हूं। अरे भाई, जब प्रभु के पास आते हैं ना, ये ज्ञान ब्यान ज्ञान है ना, कुछ नहीं चलने वाला है, अपने आप को खाली कर देना पड़ेगा, अपना अनुभव अनुभव कुछ नहीं चलने वाला है। हर पल प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरा तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक, पांवों के लिए दीपक है और मार्गों के लिए ज्याला। दीपक का मतलब, पांवों के लिए दीपक मतलब अंधेरे में बस थोड़ा थोड़ा एक स्टेप लेने के लिए दीपक, दूसरे स्टेप के लिए दीपक, दीपक यहां जलाओगे तो वो वहां तक उस बिल्डिंग तक नहीं दिखेगा। दीपक आपको यहां जितना चलना है ना अभी वो दिखाएगा, पर हमें तो वचन चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो हम अंधेरे में यहां वहां ढूंढते हैं, कहीं पैसे हाथ में लग जाए, कहीं से चंगाई हाथ में लग जाए और हम सभाओं में भागते फिरते हैं। प्यार, यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है, प्रभु लड़की लेकर आएगा, लड़की ढूंढने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए वो परमेश्वर को पता है, आपको किसकी आवश्यकता है वो परमेश्वर को पता है। लड़का, लड़की, जीवन साथी, आप पहला अपना अनंतकालिक साथी बना लीजिए यीशु को, बाकी आपके जीवन के लिए साथी प्रभु तैयार कर देगा। हम ढूंढने नहीं निकले थे, मैं मेरी गवाही देता हूं, मैं ढूंढने नहीं निकला था, प्रभु ने सब तैयार करके रखा था, सब हम मुझे बोलते थे जब शादी करने गए, अरे तू कहां ले जा रहा है यार, हमको कहां पर छुपा के रखा है। अरे मैंने नहीं छुपा के रखा, परमेश्वर प्रकट करता है ना। सो प्यारो, संसारिक बातों के पीछे मत भागे, ये संदेश हमें देता है, हमारे ज्ञान से ना चले, हमारी बुद्धि से ना चले, वचन जो कहता है वो ही करे, ज्यादा बुद्धिमान ना बने, है ना। पहले ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा दिमाग ना तोड़े, वचन में देखे हर बात को, प्रभु के दास अगुवे भी है उनको पूछे, पर अपनी बुद्धि से ना चले, प्रभु के पीछे चलना है ना, तो कहीं कहीं फंस जाओगे, कोई रॉन्ग पर्सन आपके हाथ में चढ़ जाएगा, वो काट देगा। ये राजा के हाथों चढ़ गए थे, राजा ने बोला दूसरा राजा आ गया है, मुझे मारना पड़ेगा, इन लोगों को एक बार जाकर आने दो, फिर इनका भी तमाम कर दूंगा काम, और जो पैदा हुए उसका भी काम तमाम कर दूंगा। उसके मन में क्या बातें थी नहीं, कई बार हम अपनी मर्जी से चलते हैं ना तो रॉन्ग पर्सन हाथ में लग जाता है, कई बार ऐसा होता है कि रॉन्ग जगह पर रॉन्ग नौकरी, गलत नौकरी हमारे हाथ में लग जाएगी और मजदूर बनकर जीते रहेंगे, बस करते रहो चक्की में, पीसते रहो गेहूं की माफी। क्यों? क्योंकि हमें तो अपनी मर्जी और बुद्धि पर आधार रखना है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो कलीसिया में होता है, बाहर जाकर कुछ और होता है, तो फिर हमारे लिए हम अच्छा अच्छा कैसे सपने पूरे देख सकते हैं, नहीं हो सकता है ना। कुछ बातें और है हम देखकर बुरा करेंगे। देखिए यहां पर क्या हुआ, सितारा इनकी अगुवाई करता है, हमारे लिए अगुवाई कौन करता है,
प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद में यीशु मसीह ने क्या बोला था पता है, एक इंसान को कुछ बोला था पुनरुत्थान होने के बाद में, पत्रस को जाकर कुछ बोला, तू मुझे प्रेम करता है, तीन बार पूछता है। और प्रभु वहां पर कहते तू मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को संभाल। मतलब प्रभु ने समझ में आ रहा है प्रभु की योजना, इसमें समझिए इस संसार में परमेश्वर ने अगुवाई लोगों की करने के लिए, भेड़ों की अगुवाई के लिए चरवाहे को नियुक्त किया है। चरवा मतलब पास्टर, अगुवो। क्या हम उनका सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं? प्रभु उनके द्वारा बोलेगा आपसे, जिनको अगवे बनाया है ना उनके द्वारा आपसे व्यवहार करेगा। पर हमें तो अपने कान में खुजलिया है और अच्छे अच्छे नहीं ऐसे संदेश वाहक चाहिए, और इसलिए हम बाहर भागम भाग करते हैं। पर क्या तो हमें जो दायरा हमारे लिए प्रभु ने रखा है उसमें हमें हमें रहना है प्यारो, क्योंकि वहां पर आशीष प्रभु ने रखी है। और हमारी मर्जी से जब हम भागम भाग करते हैं ना, कुछ और बातें हमारे हाथ में आ जाती है प्यारो। हमें जरूरत है कि यीशु के पीछे चले। इसका मतलब यह नहीं कि बस हाँ बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और मन में जो आए वो करो। कलीसिया में बने रहो, अगुओं के कहनों में बने रहो, वो जो अगुवाई दे रहे उसको सुनो ध्यान से, उसको समझो, उसके प्रभु जो बताता है सिखाता है आपकी आत्मा में उसको सीख कर आगे बढ़ो प्यारो। क्या लिखा है यहाँ पर, ये सितारा इनकी अगुवाई कर रहा था पर अपनी मर्जी से चलकर ये राजा के पास पहुंच गए। पर फिर भी जब इन्होंने फिर से चाहा कि हम उस सितारे जो यहां तक लेकर आए, अब बहुत कम अंतर रहेगा, बहुत थोड़ा फासला रहेगा, फिर से प्रभु तो कुछ कर कि नहीं, और वो सितारा उनको दिखाई दिया वहां पर। और नौवीं आयत में लिखा है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया, आखिर में उनके मुकाम पर उनको पहुंचा दिया। कितनी अद्भुत बात है। और वहां जाकर इन्होंने क्या किया, देखो उस तारे को देखकर वे अति ही आनंदित हुए। वो खुश क्यों हो गए पता है, क्यों खुश हो गए, क्यों खुश हो गए, उनकी खुशी का कारण क्या था? आप सोचो, आप कहीं पर यात्रा में निकले हो गाड़ी लेकर या बस लेकर या कहीं पर, और आप भटक गए हो, रास्ता ही भूल गए हो, और यहां वहां इधर उधर घूम रहे हो, क्या हालत हो गया, गूगल मैप ढूंढ रहे हो, अरे भाई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है यार, डेटा किसी का खत्म हो गया कुछ, अरे भाई कैसे ढूंढ रहे, पर अचानक कहीं पर आपको सिग्नल मिल जाए, अरे आ गया रे यार, अब मिल जाएगा हमें सही ठिकाना है ना। सो प्यारो जब हम ढूंढते हैं ना उस पर आधार रखकर ढूंढते हैं तो प्रभु अगुवाई नहीं करता है, उनको छोड़ नहीं देता, जो अपने दिलों को खोलते हैं प्रभु के लिए उनको भर देता है। जिनके दिल प्रभु के लिए लोग खोल देते हैं उनके दिलों को प्रभु भर देता है शांति से, खुशी से, आशीषों से। हालेलुया। और यहां पर क्या हुआ, ये जो सितारा था प्यारो, मुझे भी कोई ना कोई सितारा इस संसार में मिला जिस जो मुझे यीशु के पास लेकर आया। मेरे दोस्त दोस्त थे, मुझे अभी भी याद है, आज सुबह उनके उनको लेकर प्रभु का मैं धन्यवाद किया, प्रभु तूने ऐसे लोग रखे कि जिनके द्वारा मैं यीशु तेरे पास आया, मुझे तेरी पहचान हुई। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसे सितारे होंगे जो आपको यीशु के पास लाए होंगे, है ना। क्रिसमस का मनाना मतलब ये नहीं कि खाली तुम बाहर स्टार लटका दो, उसमें अच्छी लाइट कर दो, अच्छा फैशनेबल स्टार लगा दो और क्रिसमस पूरी। जरूरत है कि उसकी अगुवाई पर हम कितना चलते हैं। मुझे ऐसे सितारे ने कोई एक सितारा चमका और वो मुझे यीशु के पास लेकर आया, और हम किसी को नहीं ला पा रहे क्योंकि हम चमक ही नहीं रहे। सितारे की खासियत क्या है पता, चमकना। पर वो चमक कहां से लाता है, यस, वो चमक उसकी खुद की नहीं होती है, है ना, वो चमक उसकी खुद की नहीं होती है, वो चमक किसी और की होती है। कई बार हमें लगता है ना, अरे देखा मेरी प्रार्थना से जोरदार जोरदार चंगाई मिल गई ना, अद्भुत काम हो गया ना, अरे वो हमसे नहीं हुआ है, वो जो यू आर नॉट शाइनिंग स्टार, आप नहीं है वो चमकते सितारे, जो आपके अंदर है ना वो है, उसकी रोशनी चमक रही है जो लोगों पर उजाला फैला रही है। हालेलुया।
और प्रभु आपको भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। इसमें यीशु ने क्या बोला पता है, मैं जगत का उजाला हूं, और बाद में बोला अब तुम जगत के उजाले हो। सो अपने उजाले को मत्ती 5:16 में बहुत साफ जगह निकाले नहीं लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। किन के सामने चमके? घरवाली के सामने, माँ बाप के सामने, पड़ोसियों के सामने, मनुष्यों के सामने, मतलब सभी के पास, सभी को आपने आपका उजाला पता होना चाहिए कि आपके अंदर जगत का उजाला वास कर रहा है। हालेलुया। अगर हम क्रिसमस मनाए पर यीशु ही नहीं है जगत का उजाला यहां, तो हम अंधेरे में अभी भी। हमें समझने की जरूरत है कि मुझे उस उजाले की जरूरत है, और हमें भी प्रभु उजाला बनाकर, सितारा बनाकर लोगों को यीशु के पास लाना चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो लोग आए ज्ञानी पुरुष, उन्होंने वहां कर क्या किया, देखिए क्या लिखा है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर 11वीं आयत, उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर कर, ओ माय गॉड, कितना गजब इनकी हम्बलनेस देखिए आप। अरे आई एम समथिंग ऐसा कहकर नहीं बोल, अरे हम तो वहां के हैं, हम तो वो है, हमारे पास इतना है ना वो है, ये कुछ नहीं बता रहे अपने बारे में। वो सिंपली बस सिर्फ उनको पता है ये यही वो उद्धार करता है, ये मेरे प्रणाम के योग्य है। हालेलुया, ये मेरे प्रणाम के, मेरी आराधना के योग्य है, यही तो है जिसके आगे मैं झुक सकता हूं, यही तो है जो मेरे अर्पणों को ले सकता है। आप सोचिए, आप जिसको अर्पण देते हो क्या वो ले रहा है, आपकी जिसको दे रहे हो वो क्या ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यीशु ही है जो इंसान के अर्पणों को ले सकता है, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। इन्होंने जन्म लिया, यीशु मसीह ने मनुष्य का अवतार धारण किया, और इन्होंने अपनी लिखा है कि अब सबसे पहले इन्होंने अपना थैला खाली नहीं किया, सबसे पहले अपने दिल को दिया। वहां पर क्या लिखा है, वहां पर वो मुंह के बल गिर गए, वहां पर अपने आप को झुका दिया, अधीन कर दिया उन, ये मसीह आए, उन्होंने जाकर वहां दे, अरे यार ये तो बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, इतने दूर से आए और यहां पर तो छोटा बच्चा पड़ा है यार, कहां राजा है यार, तू कहां लेकर आया यार मुझे, अरे तू कहां लेकर आया यार। और हम ऐसे ही करते कई बार हमारे जीवन में, अरे तू कहां लेकर आया मुझे, होता है कभी ऐसा, अरे तू मुझे प्रभु कहां लेकर आया, अरे यार तू इस जगह लेकर आई, पड़ोसी कितने परेशान करते हैं, तूने मुझे इस घर में क्यों जन्म दिया, मेरे भाई देख मेरा कितना, मेरी मां देख मुझसे प्यार ही नहीं करती, अरे तू मुझे इस क्लास में एडमिशन क्यों दिया, देख मेरा तो कोई साथी नहीं है यहां पर, मैं तो अकेला पड़ गया हूं, मेरे मदद करने वाला कोई नहीं है, सब अपना स्वार्थ देखकर चले जाते, अरे मुझे ऐसी नौकरी क्यों दी, हमेशा मुझे प्रताड़ित करते ये लोग, मुझे दबाने का प्रयास करते हैं,